सर कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बन गए फाइनली जूनियर क्लर्क इन पर्सनल डिपार्टमेंट। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का आज ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है। बहुत वेट कराया, करना पड़ा जो भी बोलिए, लेकिन आज फाइनली ज्वाइन कर लिए रेलवे को। हम जो रिजाइन दिए थे कितना बहुत पहले 10 नवंबर 2023 को, और आज हो रहा है 8 मई 2024, आज से फिर ज्वाइन हुआ है, ठीक है। ज्वाइनिंग होने में कोई ऐसा नहीं है कि इतना टाइम गैप हो गया तो कोई दिक्कत हुआ, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा प्रोसेस होता है, उसमें प्रोसेस में टाइम लगा है, ठीक है। बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, एंड तो आज बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश हैं मतलब कि आज जो है हम लोगों का लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, होने वाला क्या हो गया, और जो मेमोरी पहले वाला था जो 2019 में जो ज्वाइन किए थे नवंबर में, उसका जो 4 साल ड्यूटी किए हैं उसका अलग ही एक्सपीरियंस रहा, और वो बहुत कुछ सिखाया। आज भी जब हम पहले वाला फोटो सब देखते हैं बहुत चीजें याद आती हैं, और मतलब कुछ कहना ही नहीं है उसके बारे में, बस ये है कि बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो ट्रैकमैन का जॉब है बहुत कुछ सिखाया, एक आदमी बनाया खुद को, स्टूडेंट को, तो वो चीजें हैं। बाकी अब जो भी हमारा ज्वाइनिंग है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, एक मिनट रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ, जो भी ज्वाइनिंग हुआ है तो बस हमारा रहेगा कि हम जो भी जिसका भी हेल्प कर सकते हैं अपने स्तर पे, वो सबका हेल्प करना है, चाहे वो ग्रुप डी का एम्प्लॉय, हम जो अभी ग्रुप सी में आए हैं तो ग्रुप डी का एम्प्लॉय हो, या जो भी रिटायर्ड जो हो चुके हैं उनका जो भी हम कर सकते हैं अपने स्तर पे उनका हेल्प करना है, उनका काम करना है, क्योंकि वही काम है हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट में, तो उनका अच्छे से काम करना है, बाकी ईमानदारी से काम करना है ड्यूटी जो भी है, एंड बाकी जो ड्यूटी आवर्स है उसमें ऐसा नहीं है कि भाई फ्री का पैसा लेना है, कोई भी अगर पैसा दे रहा है क्या, मतलब खुद का जो वैसे हम खुद का जो मतलब क्या बोलते हैं, खुद को ये खराब नहीं लगना चाहिए कि हम खराब आदमी हैं, खुद को ऐसा फील होना चाहिए हमेशा, ये कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान है, तो वो चीज हमेशा बनने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अभी तक तो हैं, और बाकी इसके साथ साथ बहुत सारा जर्नी है जो चल रहा है हमारा, वो चलता रहेगा, ठीक है, और भी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे इन द सेंस अभी बहुत कुछ और भी करना है, तो कर रहे हैं, बाकी उसको भी करना है। बाकी जो ये था हमारा ड्रीम कभी हुआ करता था वो आज रियलिटी हो गया। का हो आपका भी ड्रीम था, आपको तो फ्री में मिल गया, फ्री में नहीं मिला, आप भी तैयारी किए थे ना, बोलिए कुछ, ये देख रहे हैं तो इसको काहे देख रहे हैं आप, हमको देखिए बोलिए कि नहीं हम भी बहुत तैयारी किए हैं, ये भी घर से पढ़ के ग्रुप डी निकाले हैं, एनटीपीसी निकाले हैं, CV22 सिर्फ घर से पढ़ के ऑनलाइन पढ़ के, ठीक है, और खुद से कोई कोचिंग लिया ही नहीं, कोई पेड कोर्स लिया, पेड कोर्स लिए हैं आप, टेस्ट बुक का अति लिए थे, टेस्ट लिए थे, लेकिन पढ़ाई पढ़ने के लिए कोई तो पेड कोर्स नहीं लिया था, नहीं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, सिर्फ सेल्फ स्टडी ऐसे करके अभी भी देखिए पढ़ रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई खुद से जब कोई सोचता है कि हमको कुछ करना है ना तो वो कर लेता है, ठीक है, उसके लिए और किसी चीज का जरूरत नहीं है, खुद से अंदर से आना चाहिए कि हमको करना है, कोई और एक्सक्यूज नहीं, बस एक चीज होना चाहिए तो करना है, क्यों करना है वो तो बाकी आप समझिए, आपको करना है, तो हमारा तो लाइफ ही मतलब ऐसा था कि जो है खुद को लाइफ का जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है या जो भी है उसको बदल, ठीक है चालू कर दीजिए, उसको बदलने के लिए हम तैयारी कर रहे थे, जो उसमें ड्यूटी में थे ना, तो ये लग रहा था कि भाई ये ड्यूटी हम जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं, अभी ऐसा है कि ठीक है जो हमारे ड्यूटी आवर्स है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इसमें हम मतलब कर सकते हैं, बाकी के टाइम में हम और भी कुछ करेंगे, बाकी रेस्ट करने का भी टाइम है, रात को भी मतलब एक प्रोफेशनल लाइफ अभी जी सकते हैं, वो एक चीज है।
आज ज्वाइनिंग हुआ, इसकी खुशी में हम लोग पनीर लेकर आए हैं। ये 200 ग्राम वाला सुधा का पनीर है एंड यहाँ पे प्याज कट रहा है, और प्याज कटना पड़ेगा भाई साहब, इतना प्याज में नहीं होगा, टमाटर भी नहीं है, बिना खाली प्याज और पनीर बनेगा। आज बनेगा पनीर का सब्जी और रोटी, ठीक है। बहुत दिन मतलब यहाँ पे एक दिन पनीर खाए हैं और एक दो दिन अंडा खाए हैं, तो आज पनीर बन रहे हैं, बनेगा हम ही बनाएंगे बन रहा नहीं है। चलिए रोटी भी बनेगा। दोस्तों देखिए खाना बन रहा है और यहाँ पे पनीर का सब्जी बन गया, रोटी लास्ट रोटी ये एक और बचा हुआ है, ये हो बन गया रोटी। इतना सारा रोटी बन चुका है कि लास्ट रोटी बचा है। अब इसको देखिए कैसे होता है, एक हाथ से 1 2 3 ये इधर रोटी बन रहा है और इधर सब्जी पनीर का बन चुका है, हम बनाए हैं, देखिए मस्त बनाए, ठीक है।